आपके साथ नेहा रही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बाहर की नारी से भी ज़्यादा अच्छा होगा। और हमें पता भी होगा कि हमने कितने अच्छी तरह से इसको सफाई के साथ बनाया है। और बनाना बहुत ही आसान है और ये जब तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है, जिससे निहारी बनती है उसी मटन को इसमें यूज़ करना है। और कुछ मसाले लिए हैं, मसाले में लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च इसमें डाल दिया है, और सौंफ लिया है 1 टीस्पून, दाल लौंग लिया है 4-5, 2 तेज़पत्ता, 1 चक्री फूल और 1 जायफल का छोटा सा टुकड़ा लिया है, 4 छोटी इलायची, और ये शाह जीरा लिया है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून लिया है धनिया। ये हमारे मसाले इतने रेडी हो गए हैं। अब इसी के साथ हमने एक कपड़ा लिया है, मलमल का बारीक सा कपड़ा लिया है, और इसी में हम सारे मसाले को डाल देंगे और इसको हम गलाने के साथ यूज़ करेंगे। जैसे यखनी बनाते हैं उसी तरह हम इसको इसमें बांध देंगे एक पोटली, और थोड़ा पोटली ढीली से बांधें जिससे इसमें जो भी इसका जूस अच्छी तरह से निकल जाए। और इसमें मैंने ले लिया है मटन और इसमें डाल दिया है 1 बड़ा सा लहसुन, उसको छील लिया है, और 1 प्याज और तेज़पत्ता डाल दिया है। बाकी चीज़ों को मैंने बांध दिया है इसमें, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, कम से कम 1 गिलास से भी थोड़ा सा कम डालेंगे, और मटन को हम गला लेंगे जब तक कि ये हमारा मटन गल जाए। और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है, और इसी के साथ हम मटन को गला लेंगे। और कम से कम ये 30-35 मिनट या 40-45 मिनट तक लग जाता है इसको गलने में, और काफ़ी सॉफ्ट इसको गलाना होता है। और इसके साथ निहारी बनाने के लिए और भी मसाले की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए 2 दालचीनी, 6 लौंग, 6 इलायची, 3 बड़ी इलायची, और पीपली लिया है 2 पीस, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है, ये पीपली है जो स्पून में है, और 1/4 टीस्पून सौंफ, और कुछ मैंने लिया है काली मिर्च 1/2 टीस्पून से भी कम, जावित्री लिया है और 1 टीस्पून जीरा लिया है, 1 छोटा सा जायफल का टुकड़ा लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है और रोस्ट नहीं करना है। और 1 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, उसमें तेज़पत्ता डाल देंगे और प्याज डालकर, 1 प्याज डाला है इसमें, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डाला जाता है निहारी में, और उसको अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे। निहारी में बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डलता है, कम प्याज से ही बनता है। और ये जो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो इसको अच्छा सा कलर, ज़्यादा डार्क ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसमें बाकी मसाले डालेंगे, तो मसाले ये पानी में जो हमारे भून जाएंगे। 2 चम्मच मैंने लिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च लिया है, और थोड़ा सा देगी मिर्च भी इसमें यूज़ कर लें जिससे अच्छा कलर आए, और 2 टीस्पून मैंने लिया है धनिया, और 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा। और इसी के साथ हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और मसाले को भून लेंगे। दूसरी साइड से हम देख लेंगे कि हमारा मटन जो निहारी के लिए मैंने गलाने के लिए रखा था वो गल चुका हो। और इसी की तरह से इसमें जो मसाले मैंने पीस लिए थे उस मसाले को भी इसमें डाल दिया है। अगर ये मसाला नहीं बना पाए तो मार्केट में निहारी मसाला भी मिलता है, उससे भी निहारी अच्छी बनती है, लेकिन आप घर पे बनाकर भी बाहर की तरह निहारी बना सकते हैं। और ये मटन हमारा गल चुका है, और ये इसमें से जो पोटली है उसको हटा लेंगे और इसको भी धुल कर डाल देंगे, और पानी के समेत ही मसाले में डाल देंगे। हमारा मसाला भुन चुका है, और निहारी का मटन अलग होता है। जब आप बनाने जाएँ, ख़रीदने जाएँ, तो आप इसी तरह से बोल कर मांगें कि हमें निहारी बनाना है, ये अलग क्वालिटी का होता है, और ये मटन का ही पीस अलग तरीके का होता है, इसी से निहारी बनती है, किसी और मटन से बनाएंगे तो नहीं बनेगी इस तरीके से। तो जो काफ़ी सॉफ्ट होती है और खाने में क्रीमी सी लगती है, काफ़ी टेस्टी। और इसमें 2-3 गिलास पानी डाल देंगे और इसको पका लेंगे 10 मिनट के लिए, और गैस का फ्लेम बंद करके जो इसकी तरी होती है उस तरी को हटा लेंगे। जब तरी को हटा लेंगे फिर इसमें मैंने 4 चम्मच लिया है गेहूँ का आटा, और 1 कप पानी के साथ इसको घोल लेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए चलाते जाएंगे कि इकट्ठा ना हो जाए और कोई इसमें गुठली से ना बन जाए, और साथ में चलाते भी रहेंगे, धीरे धीरे करके डालते रहेंगे जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए। और इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होती है, और इस तरीके से अपने हिसाब से इसको डाल लें और देख लें कि कितने इसमें ज़रूरत है। और इसको डालने के बाद अगर थोड़ा पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर, और उसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो करके इसको पकने दें। जब 10-15 मिनट के बाद पकने के बाद इसमें हरी मिर्च, अदरक, हरी धनिया डालें,
और जो इसमें से तरी निकाल के रखी गई है उसको हम बाद में डालते हैं, जिससे देखने में इसका लुक अच्छा लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा निहारी मसाला डाल दिया है, हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक जो आपको पसंद हो इसमें से डाल दें। और इसकी थोड़ी ठंडा होने के बाद इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा इसको थिक ना रखें, थोड़ा सा पतला ही रखें। अभी ये हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। और इसके साथ नींबू, हरी मिर्च, अदरक, हरी धनिया सर्व ज़रूर किया जाता है, और इसी से निहारी में टेस्ट आता है। और मैंने उसमें ऊपर से भी इसमें जो तरी थी डाल दिया था, और अब मैं दूसरे प्लेट में भी इसमें तरी डाल दूँगी। यही तरीका होता है निहारी को सर्व करने का, कहीं पर भी इसी तरह से सर्व किया जाता है। और इस तरह से मैंने ऊपर से थोड़ा अदरक, हरी मिर्च डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें नींबू यूज़ करें। और ये तंदूरी रोटी के साथ निहारी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इस तरह से आप तंदूरी रोटी या घर में बनाएं या बाहर से लाएं, और अपने घर में निहारी ज़रूर बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है, घर की निहारी अपने हिसाब से साफ़ सफाई के साथ बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इस आसान तरीके से आप ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और बनाना बहुत ही आसान है, और खाने में निहारी कभी कभी बहुत ही अच्छी लगती है, कभी कभी इसको अपने घर में बनाना चाहिए। और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।